स्त्रीलिंग और घा में पुल्लिंग रहेगा तो उसमें क्या यूज करना है आपको, तो स्त्रीलिंग रहेगा तो टी और नपुंसकलिंग रहेगा तो ए। ये क्लियर हो गया आपको। अभी तो शाल ती शाल क्या ते शाल हाँ ती शाल समझ में आया कि नहीं आया, तो स्त्रीलिंग आएगा, क्या आएगा स्त्रीलिंग। स्त्रीलिंग की स्पेलिंग एकदम परफेक्ट आपको लिखनी आनी चाहिए वरना एग्जाम में मार्क्स कट जाएगा मेरा बेचारा। टी शाल यस। नेक्स्ट सेकंड नंबर इज गाठोड़े। गाठोड़े मतलब बहुत सारी गाठ लग जाना, तो गाठोड़े टी गाठोड़े क्या ते गाठोड़े ते गाठोड़े। नपुंसकलिंग क्या आएगा नपुंसकलिंग। ओके नेक्स्ट इज मंदिर। मंदिर क्या आएगा तो ती या ते व्हाट विल यू गो विथ हाँ तो मंदिर ती मंदिर या ते मंदिर ते मंदिर तो मंदिर दोनों में से डिसाइड करो क्या। हाँ तो फिर बोलेंगे एरो है ना उधर पे इसको यूज करो। बोले कट्टा तो कट्टा ती कट्टा ते कट्टा ते कट्टा ना पूछा कर ले ते नदी कट्टा और तो नदी कट्टा और इज द आंसर तो और ते बड़ा व्यू रचना है कट्टा पुलिंग गो विद पुलिंग। गाथोड़े हवा भी रिटर्न पुलिंग में आपने तो ही ते नहीं लगाया है गाठी बांध देना बहुत सारे कट्ठा पुलिंग यस। भात तो भात ती भात ते भात ती भात हाँ स्त्रीलिंग कैसे स्त्रीलिंग कैसे ती भात तो भात ये सो नो पुलिंग आएगा ना आउ कम भात स्त्रीलिंग भात मतलब दाल चावल क्या लिख रहे हो तो देखो फिर पुलिंग मीट तो मीट टी मीट टे मीट तो पुलिंग हाँ जल्दी तुमको ही बताना उसके आंसर सारे गलत लिखे हुए हैं। स्त्रीलिंग हाँ स्त्रीलिंग कैसे स्त्रीलिंग मुझे जस्टिफाई करो। तीमिट कैसे वही तो पूछ रहा तीमिट कैसे तो मीट पुल्लिंग मीट मतलब नमक कैसे कैसे वही तो कुछ कहा है जस्टिफिकेशन में तो मीट तो मीट भातावर टाकला दाढ़ तो दाढ़ ती दाढ़ ते दाढ़ टेढ़ा कैसे टेढ़ा ती दाढ़ आएगा दाल समझे लोनी लोनी स्त्री कैसे पता चला सती लोनी देखो स्त्री है टाच तो टाच ती टाच ते टाच तो टाच नहीं ती टाच स्त्रीलिंग तो चप्पल ती चप्पल या ते चप्पल ते चप्पल ते चप्पल तो चप्पल तो नहीं आएगा ती चप्पल कुटे है ती आएगा स्त्रीलिंग क्वेश्चंस पूछ लेगा ना तो ठसा ती ठसा या ते ठसा ते
तेत तेत हंसा होता तो अपन ऊपर नपुंसकलिंग लिखते हैं ना, तो हंसा ठसा दे ठसा दे ठसा दे ठसा दे पे ठसा नहीं मिला दे नपुस अकेले गए थे तुरंत कर दो नपुस अकेले आप दे रहा नपुस अकेले निकले नेक्स्ट दाल तो दाल ती दाल तेरा दार बंद कर सेंटेंस बनाने का ना वर्ड के आप ऐसे से कंफ्यूज क्यों हो रहे हो बार बार ते दार बंद कर नपुंसकलिंग तो तड़वा ती तड़वा ते तड़वा तो तड़वा गोजीरा है हाँ Next word is शिक्षण तो शिक्षण ई शिक्षण या ते शिक्षण तुझा शिक्षण कुठे झाला तो शिक्षण कुठून घेतला क्या ते शिक्षण कुठून झालं ते नपुंसकलिंग लवली माउली माउली वेरी गुड स्त्रीलिंग परीक्षा तो परीक्षा ती परीक्षा स्त्रीलिंग आयुष्य तो आयुष्य ती आयुष्य ते आयुष्य ते आयुष्य भर सुखी राहिला ते आएगा तो क्या आएगा नपुंसकलिंग निरंजन आयुष्य भर सुखी राहिला नपुंसकलिंग तो न को क्या हो गया मैं न नपुंसकलिंग अंडरस्टूड एवरीवन चरित्र कैसे मालूम पड़ा अरे ये तो स्त्रीलिंग वाह तो चरित्र तो क्या ती चरित्र क्या ते चरित्र क्या है ते चरित्र चरित्र मतलब कैरेक्टर ते सामना मला बघायचा आहे वो कॉम्पिटिशन मध्ये देखना है ते सामना ते नपुंसकलिंग तो क्रिकेट चा सामना तो क्रिकेट तो खुले क्रिकेट खुले हेलो यस आई गेस डाउनस्टेयर्स वी आर द ऑफिस विंडो नंबर 1 झाड नपुंसकलिंग यस ऑर नो रास्ता
तो झाड़ ती झाड़ ते झाड़ ते झाड़ नपुसकलिंग रास्ता पुल्लिंग मित्र तो मित्र ती मित्र ते मित्र तो मित्र पुल्लिंग ती मैत्रीन ती आई ती आई स्त्रीलिंग एक में नपुसकलिंग लिखा था आई डोंट नो क्या समझ गया इमारत तो इमारत ती इमारत ते इमारत इमारत मतलब ऊंची है बिल्डिंग ऊंची क्या आएगा पुल्लिंग स्त्रीलिंग ऐसा आपको समझना है विमान एरोप्लेन एरोप्लेन जा रहा है तो पुल्लिंग स्त्रीलिंग तो विमान ती विमान ते विमान पक्का विमान का पुल्लिंग है नपुंसकलिंग आएगा रद्द करो आप ते विमान आकाशात उड़तो नपुंसकलिंग क्योंकि हिंदी में दो ही टाइप का लिंग है तो वहां पर एडजस्ट हो जाता है बट इन मराठी रात में वेरी क्लियर बहिन स्त्रीलिंग सिस्टर नेक्स्ट इतना क्लियर होगा आपको नेक्स्ट वी स्टार्ट विद 30th वन कासवी कासवी मतलब फीमेल टॉर्टॉइस स्त्रीलिंग स्त्रीलिंग नेक्स्ट नाग पुल्लिंग तो नाग देव पुल्लिंग तो देव ती देव ते देव तो देव पुल्लिंग दासी दासी स्त्रीलिंग कौन है वो डैडी को मराठी में क्या बोलते हैं बाबा वाड़ी कोल्हिन कोल्हा मतलब वुल्फ और फीमेल वुल्फ को बोलेंगे स्त्रीलिंग दादा दादा मतलब भाई बड़ा भाई ताई मतलब बड़ी बहन डग डग तो डग ती डग टेढ़ा 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 आवाड़ा बिहर तो नपुंसकलिंग इधर है बाप हाँ बिंदास पुल्लिंग वो माझा बाप है द्रव्य सोना सेमी और टेक्स्ट द्रव्य द्रव्य मतलब क्या सोना द्रव्य मीन्स मेटल अंडरस्टूड जरूरी नहीं हो सोना ही हो इट्स मेटल ऑल राइट तो द्रव्य ती द्रव्य ते द्रव्य ते द्रव्य जमिनीत आहे नर पुल्लिंग नर तो क्लियर है आपको पता चल गया रहेगा पुल्लिंग गाय स्त्रीलिंग नेक्स्ट रान पुत्री मतलब
रान डुकरी इंसान जंगल में रहने वाली डुकरनी, उसको बोलेंगे रान डुकरी, क्या आएगा? स्त्रीलिंग। जंगली सुअरनी। नेक्स्ट गायिका। स्त्रीलिंग। स्त्रीलिंग क्या कब कर बंदर को क्या बोलेंगे? पुल्लिंग या स्त्रीलिंग? अपना बराबर याद है। तब से क्या आग बंद करके खड़ी थी पुल्लिंग का, देखो वर्ड नहीं पता कैसा लिखना है। कुंभार। कुंभार पुल्लिंग। What is the meaning of the word kumbhar, by the way? कुम्हार होता है, मटका बनाने वाला। कुम्भार, I also think that कुम्भार का मतलब वही होगा, but I'm not sure. I give it to you. You need to search in Kamal. जीब। जीब मतलब? तो तो जीब, ती जीब या ते जीब? तो आपको जीब का अलग अलग वर्ड याद रखना है, जीवा है, रसना है, तो ती जीवा है ना, ती जीवा तो स्त्रीलिंग ही आएगा। कुछ भी लिख के नहीं आना है आपको, हाँ 200 बार सोचना है लिखने के पहले, क्योंकि हर एक मार्क्स के पीछे आपके 20 पॉइंट छुपे हुए हैं। समझ में आया कि नहीं आया? यस। उपोषण, तो उपोषण, ती उपोषण, ते उपोषण, ते उपोषण, ते उपोषण, जेवनात असावे, ते नपुसकलि। नपुंसकल है, सब लोग अपुन साथ में सरकारी दवा खाने में जाके दवा लेके आते हैं। डोके। तोड़ोके, तीड़ोके, तीड़ोके, तेड़ोके, तोड़ोके, डोका रहता तो टोडोका आता, अभी क्या है? डोके। डोके है तो तेडोके, तेडोके चाला जरा। नपुंसकल है। हाथ। हाथ तो हाथ, ती हाथ, ते हाथ, तो दो हाथ है, लेकिन तो हाथ तो आधा खाओ, ती आधा खाओ, ते आधा खाओ, ते आधा, ते आधा, ते आधा खाओ, ते ना पूछा कर लेंगे। जिद, तो जिद, ती जिद, ते जिद, तो जिद असावी, क्या ते जिद असा, तो शायद नहीं, हमने तुझे कंफर्म करके आने बोला था, एटलीस्ट यू कुड हैव ब्रिंग मी इट, तू गलत किया नहीं होगा तुमने, मैं मेहंदी पार के थोड़ी दुआ ले बोला था। रंजा का क्या, तेरी चाची का? हाँ चाची का जिद, तो खाना खा गया जिद, तो जिद, तो जिद करू नको, तो पुलिंग आएगा। ए जिद करू, ए स्टेजिंग, तो जिद, ती जिद, ती जिद, ते जिद, ए पेट, ए जिद, जिद को जरा छोड़ दो एक मिनट, सर आओ, ते सर आओ, तब कुछ आकर बैलेंस।
तो भाव पुल्लिंग ते पानी न पुसकलिंग नदी नदी स्त्रीलिंग माफी तो माफी ती माफी या ते माफी तो माफी ती माफी ती माफी मला हवा आहे दुनिया स्त्रीलिंग सही है क्लियर हो गया आपको ये भी पुलिंग yes.